राजस्थान में कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के निजी अस्पतालों में कोरोना की जांच और इलाज की अधिकतम दरें तय कर दी है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। राजस्थान में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने इसके इलाज को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने कोरोना टेस्ट दर तय कर दिए, जिसके बाद अब राजस्थान में निजी लैब 2200 रुपये से ज़्यादा की राशि वसूल नहीं कर पाएगी। वहीं निजी अस्पताल वेंटिलेटर सहित बेड का 4000 रुपये प्रतिदिन से ज़्यादा वसूल नहीं कर सकेंगे। वहीं अगर कोई लैब या अस्पताल ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दिया है। ये फैसला शुक्रवार देर रात सीएम निवास पर 2 घंटे से ज़्यादा समय तक चली समीक्षा बैठक में किया गया। सीएम ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों से अधिक बिल की वसूली ना हो, इसके लिए महामारी अधिनियम सहित अन्य प्रावधानों के तहत आदेश जारी किए जाएं और उनकी सख्ती से पालना प्रदेश में की जाए। सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना जाँच और इलाज में तय दरों से ज़्यादा वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि काफ़ी समय से कोरोना जाँच और इलाज को लेकर निजी अस्पतालों के खिलाफ अधिक वसूली की शिकायतें आ रही थी। इन शिकायतों के बाद सीएम कोरोना जांच और इलाज की दरों को नियंत्रित करने का फैसला किया है। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर अच्छी है, लेकिन अब भी रोजाना औसत 250 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे हालत में कोरोना जांच और इलाज की मनमानी दरें वसूलने से साधारण लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में कोरोना की रफ्तार बेहद तेज है। यहाँ लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,000 के पार हो चुकी है। शुक्रवार रात तक राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 14,156 हो गई। प्रदेश के सभी 33 जिलों में राजस्थान के अंदर कोरोना फैल चुका है। इससे अब तक 333 अकाल मौत के मुंह में समा चुके हैं। शुक्रवार को भी राज्य भर में 299 नए पॉजिटिव केस सामने आए थे। वहीं अब निजी अस्पतालों में कोरोना जांच और इलाज की दरें तय होने से आम लोगों को राहत मिलेगी। अब ज़्यादा लोग कोरोना की जांच और इलाज के लिए आगे आएंगे, जिससे संक्रमण को रोकने में मदद मिल सकेगी। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना महामारी से लड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कल उठाया है कि आमतौर पर शिकायत आ रही थी कि जो निजी लैब है, निजी अस्पताल है, वो अनियंत्रित रूप से बिलों को वसूल कर रहे थे आम आदमी से। कल की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि कोई भी निजी लैब प्रदेश में अब अधिकतम 2200 रुपए प्रति टेस्ट से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होंगे कोई मरीज निजी अस्पताल में, तो प्रति बेड सामान्य वार्ड में 2000 रुपए से ज्यादा की राशि नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मरीज गंभीर अवस्था में वेंटिलेटर में है, आईसीयू में बेड सहित उसको सुविधा दी जा रही है, तो भी अधिकतम 4000 रुपए से राशि ज्यादा वसूल नहीं की जा सकती है। ये उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो महामारी अधिनियम के और अन्य प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो इस निर्णय के ऊपर जाकर आम आदमी को लूटने का काम करेंगे। अब प्रदेश में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो औचक निरीक्षण भी करें। शिकायत मिलने के बाद एक हेल्पलाइन नंबर जो हमारा है उस पे आम आदमी शिकायत भी कर सकता है। अगर राज्य में कहीं भी ये जो निर्धारित दरें हैं राज्य सरकार के द्वारा, इनसे ज्यादा अगर कोई वसूली निजी अस्पताल अथवा निजी लैब कर रहे हैं तो इस पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के बाद तत्काल ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, उनको बंद भी किया जा सकता है। इसके अलावा 21 जून से 30 जून, क्योंकि लोग ये समझ बैठे हैं अनलॉक वन के बाद में कि कोरोना खत्म हो गया, और जिस ढंग की असावधानियों की खबरें सरकार के पास आ रही हैं, लोग समूह में इकट्ठे हो रहे हैं, हाथ धोने से परहेज कर रहे हैं, मास्क लगाने से बच रहे हैं, 2 गज की दूरी नहीं रख पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हमने राज्य में पर्याप्त वेंटिलेटर की व्यवस्था की है, पर्याप्त आईसीयू बेड की व्यवस्था की है, पर्याप्त आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की है, पर्याप्त वीटीएम किट की व्यवस्था की है, पर्याप्त टेस्टिंग की है। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा टेस्ट हम कर रहे हैं, और उसके अलावा हमारे पास पर्याप्त पीपीई किट, ट्रिपल लेयर मास्क, N95 मास्क,
किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आम आदमी सावधानी छोड़ देगा तो खतरा टला नहीं है और एक व्यक्ति कई व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। इस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए राज्य में मैसिव प्रोग्राम चलेगा जन जागरण का 21 जून से 30 जून के बीच में, और ये जनता का अभियान बने इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। 22 जून को इसी कार्यक्रम का डिजिटल लॉन्च मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के तमाम पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि और अधिकारी सहित लगभग 1,00,000 लोगों को इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से जोड़ा जाएगा। जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं और प्रभारी सचिव हैं, वो अपने अपने जिलों में इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे उद्घाटन कार्यक्रम से, और उसके बाद में जिला प्रभारी मंत्री कोविड की क्या स्थिति है उस जिले में अपने प्रभार वाले में उसकी समीक्षा बैठक करेंगे, गैर कोविड बीमारियों के बारे में समीक्षा बैठक करेंगे, हमारे जो मनरेगा में श्रमिक काम करते हैं उनके कामकाज किस तरह चल रहे हैं, उनको टाइम पे पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, श्रमिकों की संख्या कम तो नहीं है, जो 11 बजे तक छुट्टी करने का सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए निर्णय किया उसकी पालना की जा रही कि नहीं की जा रही, पेयजल की आपूर्ति पूरे प्रदेश में सुनिश्चित हो रही कि नहीं हो रही, इसके अलावा टिड्डी दल का जो प्रकोप हमारे सामने आया है उसकी भी समीक्षा करेंगे। कुल मिला के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव जिले के इन तमाम बिंदुओं पर आम आदमी को सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है इसकी समीक्षा करेंगे। उसके अलावा हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना 100% सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि मंत्री जब दौरे पर जाएंगे तो भीड़ नहीं आनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, मास्क लगाए जाए बराबर, किसी भी रूप में कहीं भी हेल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हो, इस बात के निर्देश दिए गए हैं। और राज्य में इस अभियान के माध्यम से आम आदमी के जेहन में ये डालने का प्रयास किया गया है कि ये जो सावधानी है वही उनको उनके जीवन को खतरे से बचा सकती है।